राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पहली ही बारिश में मंदिर से पानी टपक रहा है, मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, ये बड़ी खबर इस समय। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे देश पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वह छत जो है वो चूएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरसत रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत इतना नहीं हुआ, जब अब की वर्षा हुई जितना पानी गिरा अंदर में वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जहाँ इंजीनियर हों और विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर बन रहा हो उस मंदिर में वर्षा हो अंदर में छू करके पानी जाए, यह आश्चर्य है। नीतीश जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, अभी तक तो रामपथ की खबरें आ रही थी कि रामपथ जो है जिसको बनाया गया था कई लोगों के घरों को तोड़कर उसमें गड्ढे हो गए, उसमें पानी भर रहा है, और अब ये राम मंदिर की छत से पानी टपकने का मामला तो बहुत गंभीर है। और जैसा कि सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर्स ने बनाया है, उसके बाद ये हालत। जी शोभना जी, जिस तरह से मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का बयान सामने आया है, अब इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। सत्येंद्र दास जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर थे, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आ गई, जो जगह है गर्भगृह जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया, अगले अगर एक इसके साथ आशंका भी जताई है कि अगले एक दो दिनों में अगर इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन भी कहीं ना कहीं बाधा उसमें भी उत्पन्न हो सकती है। अब आपको बताऊं कि जिस तरह से अभी मानसून की आहट कहा जा रहा है प्री मानसून, और आगे आने वाले दिनों में बारिश और भी बढ़ने वाली है, यानी इस बार बारिश ऐसा अनुमानित बारिश पूरा क्योंकि नहीं बना है, सिर्फ इसका एक ही फ्लोर बना है, क्या ये वजह तो नहीं है पानी टपकने की, क्योंकि अभी तो ऊपर और फ्लोर बनने हैं। देखिए देखिए शोभना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंजीनियर है जिन्होंने इस पूरे मंदिर का एक नक्शा तैयार किया फिर उसका निर्माण किया, तो ऐसी स्थिति में जहां रामलला विराजमान है वहां पर का ध्यान नहीं रखा गया है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।